हेलो, वेलकम टू अनीताज किचन। आज मैं आपके सामने नॉन वेज की एक रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है और बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एक बार बना के जरूर देखिएगा। ये देखिए, मैंने दो तीन लिए मैंने ये टमाटर मीडियम साइज, इसको मैंने रफली चॉप किया है। ये दो अनियन है मीडियम साइज, इसको भी मैंने रफली चॉप किया है। ये है गार्लिक के 6-7 कलियां हैं और ये हरी मिर्च है दो, और ये अदरक का 1 इंच टुकड़ा जिसको मैंने ग्रेट कर लिया, आप कट करके भी डाल सकती हैं। ये मेरे पास 400 ग्राम है मटन है, और ये है थोड़े खड़े मसाले हैं, 2 तेजपात का पत्ता है, 2 ये मोटी इलायची है, हरी इलायची है, 2 4 लौंग है, और ये काली मिर्च है। कुकर मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, गरम हो चुका है। अब इस पे कोई भी आप रिफाइंड डाल सकते हैं, करीब 1 कड़छी मैंने ये डाला है। इसको गरम होने दूंगी थोड़ा सा, फिर मैं ये खड़े मसाले डालूंगी इसमें। देखिए तेल गरम हो गया है, ये मैं 2 तेजपात के पत्ते डालूंगी, ये मोटी इलायची थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया है, और ये लौंग, ये हरी इलायची और ये काली मिर्च। को थोड़ा सा गरम होने दूंगी, बस देखिए गरम हो रही है। साथ साथ में अब इसमें ये नॉन वेज डाल दूंगी। अभी यहाँ पे गैस को तेज कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि इसमें जितना पानी है निकल जाए। मैं इसे ज्यादा नहीं भूनूंगी, बस एक बार इसको हिलाऊंगी। देखिए अब देखिए जितने सारे ये मेरे इकट्ठ किया था मैंने, ये सबको मैं एक ही साथ डाल दूंगी। कोई मैंने इसको भूना नहीं है और कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ एक साथ पकाऊंगी। बहुत ही जल्दी ये बनता है और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है। टाइम सेविंग भी है, आपको खड़े होकर किचन में इसको ज्यादा देर तक भूनना नहीं है। और गैस को यहाँ मैं तेज ही रखूंगी ताकि जो पानी है वो जल्दी से गल जाए, और यहीं पे मैं सारे सूखे मसाले भी ऐड करूंगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं, 400 ग्राम है तो 2 चम्मच मैंने नमक डाला है और 1.5 चम्मच मैं यहाँ हल्दी डाल रही हूँ, और ये मैं धनिया पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर जो 2 चम्मच डाल रही हूँ, और ये पीसी लाल मिर्च है, ये भी मैं 2 चम्मच ऐड करूंगी क्योंकि ये ज़्यादा नॉनवेज जो है स्पाइसी ज़्यादा लगता है अच्छा। और ये मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, 1.5 चम्मच के करीब। बीच में थोड़ा सा हिला दूंगी, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी साथ साथ गरम मसाला भी, मैं ऊपर से नहीं डालने जा रही हूँ क्योंकि कई लोगों को वीपी रहता है तो फिर वो प्रॉब्लम करता है अगर हम ऊपर से डालेंगे। 1 चम्मच ही मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, देखिए 1 चम्मच ही मैं इसको ऐड करूंगी। सबको मैं हिला करके एक साथ सारे मसाले ताकि रन जाए इसमें अच्छे से सबको हिला दूंगी। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सिर्फ मैंने मिक्स किया है, मैंने कुछ इन मसालों को भूना नहीं है। अब मैं इसमें स्टीम लगा लूंगी बिना पानी डाले, मैं कम से कम इसको 10 मिनट तक रखूंगी, 1 विसल के बाद मैं इसको सिम कर दूंगी। मैंने पानी नहीं डाला ना मैंने इसको भूना है। देखिए बहुत ईजी वे है, आप इसको जरूर बनाइए और मुझे बताइए ये कैसा बना है। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी स्टीम भी लगभग निकल ही गई है, खोल के देखते हैं इसको। आहा देखिए कितना अच्छा बना है ये देखिए। आपको ग्रेवी जितनी थिक रखनी है उतनी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से तो ये ग्रेवी। मैं अभी इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना मजेदार ये मटन बना है, और सिर्फ 10 मिनट में बनके ये तैयार हुआ है, ना इसको भूनना पड़ा है ना कुछ करना पड़ा, और बहुत जल्दी ये बना है, बहुत अच्छे से गल गया है ये।
आप एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा और फिर मेरे को बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी आपको। और जिसने जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करिए, और बेल बटन जो है उसको प्रेस जरूर करिएगा क्योंकि इससे मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आती रहूंगी मैं ऐसे ही बहुत सिंपल टेस्टी रेसिपी लेके आपके लिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।